जीएसपीएफपी के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर अनंत भागवत ने कोषाध्यक्ष मनोज गोयल, राष्ट्रीय समन्वयक जफर लारी और सचिव जॉन वर्गिस के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उपस्थित मीडिया कर्मियों को सामान्य रूप से शेष भारत और विशेष रूप से कश्मीर में अतीत में की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी दी गई। डॉक्टर अनंत भागवत ने मीडिया प्रतिनिधियों के प्रतिष्ठित सदन को सूचित किया कि संगठन ने पिछले 3.5 वर्षों में कश्मीर में महिला सशक्तिकरण, मादक द्रव्य विरोधी आंदोलन, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। जीएसपीएफपी द्वारा स्थानीय कला, शिल्प और खेल को बढ़ावा देना भी शुरू किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के युवाओं को भारत और विशेष रूप से कश्मीर में G20 कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया गया, जिसका कश्मीरियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। डॉक्टर भागवत ने मीडिया को बताया कि जीएसपीएफपी ने पहले ही यूके और यूएसए जैसे विदेशी देशों में अपने पदचिन्ह जमा लिए हैं, लेकिन जीएसपीएफपी ने पहले भारत में काम करने, समेकित करने और बाद में भारत के बाहर व्यापार करने पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी। डॉक्टर भागवत ने नशा मुक्ति पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि इससे कश्मीर के युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये मुद्दा एक पत्रकार ने भी उठाया था। जीएसपीएफपी ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर कश्मीरियों और शेष भारत के बीच सद्भाव और शांति के पुल के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा कि इस अच्छे काम को एक कदम आगे बढ़ाते हुए संगठन ने निकट भविष्य में कश्मीर में एक बड़े कार्यक्रम की आयोजना बनाई है, जहां शेष भारत की बहुत महत्वपूर्ण हस्तियां सभी क्षेत्रों के कश्मीरियों की एक सभा को संबोधित करेगी। इसको लेकर तारीख, समय और स्थान जल्द ही मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। जीएसपीएफपी के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर अनंत भागवत ने कोषाध्यक्ष मनोज गोयल, राष्ट्रीय समन्वयक जफर लारी और सचिव जॉन वर्गिस के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उपस्थित मीडिया कर्मियों को सामान्य रूप से शेष भारत और विशेष रूप से कश्मीर में अतीत में की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी दी गई। डॉक्टर अनंत भागवत ने मीडिया प्रतिनिधियों के प्रतिष्ठित सदन को सूचित किया कि संगठन ने पिछले 3.5 वर्षों में कश्मीर में महिला सशक्तिकरण, मादक द्रव्य विरोधी आंदोलन, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। जीएसपीएफपी द्वारा स्थानीय कला, शिल्प और खेल को बढ़ावा देना भी शुरू किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के युवाओं को भारत और विशेष रूप से कश्मीर में G20 कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया गया, जिसका कश्मीरियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। डॉक्टर भागवत ने मीडिया को बताया कि जीएसपीएफपी ने पहले ही यूके और यूएसए जैसे विदेशी देशों में अपने पदचिन्ह जमा लिए हैं, लेकिन जीएसपीएफपी ने पहले भारत में काम करने, समेकित करने और बाद में भारत के बाहर व्यापार करने पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी। डॉक्टर भागवत ने नशा मुक्ति पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि इससे कश्मीर के युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये मुद्दा एक पत्रकार ने भी उठाया था। जीएसपीएफपी ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर कश्मीरियों और शेष भारत के बीच सद्भाव और शांति के पुल के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा कि इस अच्छे काम को एक कदम आगे बढ़ाते हुए संगठन ने निकट भविष्य में कश्मीर में एक बड़े कार्यक्रम की आयोजना बनाई है, जहां शेष भारत की बहुत महत्वपूर्ण हस्तियां सभी क्षेत्रों के कश्मीरियों की एक सभा को संबोधित करेगी। इसको लेकर तारीख, समय और स्थान जल्द ही मीडिया के साथ साझा किया जाएगा।